हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। ये मेरा तीसरा वीडियो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट का। आज हम लोग जो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से रिलेटेड कवर करने वाले हैं। तो टॉपिक आज का फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, FET। तो पहले तो ये अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज़ FET। तो FET क्या है? FET इज़ अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, विच मीन्स दैट द इनपुट वोल्टेज कंट्रोल द आउटपुट करंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम BGT में देखे थे, BGT में इनपुट बेस करंट कंट्रोल करता था आउटपुट के कलेक्टर करंट को। तो उसी तरीके से FET वो डिवाइस है जिसका इनपुट वोल्टेज कंट्रोल करता है आउटपुट करंट को। तो ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। BGT जो था वो करंट कंट्रोल डिवाइस था, FET जो है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। इसका मतलब ये होता है कि इनपुट का वोल्टेज कंट्रोल करता है इसके आउटपुट करंट को। और ये पर्टिकुलर डिवाइस जो है वो यूनिपोलर होता है। यूनिपोलर का मतलब ये होता है कि इसमें जो करंट कंडक्शन होगा वो सिर्फ मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से ही होगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स हो या नहीं तो होल्स हो। जहाँ पे हम लोग ने BGT में ये देखे थे कि वो बायपोलर था जिसमें करंट कंडक्शन होता था दोनों चीज़ की वजह से, वहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर एज वेल एज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट कंडक्शन होता था। यहाँ पे सिर्फ करंट कंडक्शन होगा सिर्फ मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। तो ये कुछ डेफिनेशन था जो आप FET के बारे में एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट अभी हम लोग इसके आगे देखते हैं कि FET के क्लासिफिकेशंस क्या क्या है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के क्लासिफिकेशंस क्या क्या है। तो FET जो है मेनली क्लासिफाई किया हुआ है दो कैटेगरी में, एक जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है और एक मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। तो JFET और MOSFET दो क्लासिफिकेशन इसका मेन, दो मेन ब्रांच ऑफ क्लासिफिकेशन है। अंडर JFET इसके अंदर दो क्लासिफिकेशन सब डिवाइडेड है, एन चैनल JFET, पी चैनल JFET। जिस तरीके से BGT में हम लोग ने NPN टाइप PNP टाइप देखे थे, उसी तरीके से JFET में दो टाइप से, एन चैनल JFET, पी चैनल JFET। और MOSFET के जो क्लासिफिकेशन है उसमें दो फर्दर क्लासिफिकेशन है, डिप्लेशन टाइप, एनहेंसमेंट टाइप। और इन डिप्लेशन और एनहेंसमेंट में दोनों का फर्दर जो क्लासिफिकेशन है P टाइप N टाइप। तो ये पूरा होल क्लासिफिकेशन आपके फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के अगर क्लासिफिकेशन के बारे में पूछता है तो आप पहले ये क्लासिफाई करो कि वो क्लासिफाइड हुआ है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, JFET, MOSFET। फिर JFET में सिर्फ दो ही टाइप है, एन चैनल JFET, पी चैनल JFET। MOSFET में दो टाइप है, डिप्लेशन टाइप, एनहांसमेंट टाइप। लेकिन उन दोनों के भी फर्दर P टाइप N टाइप, यानी पी टाइप डिप्लेशन MOSFET, एन टाइप डिप्लेशन MOSFET, पी टाइप एनहांसमेंट MOSFET, एन टाइप एनहांसमेंट MOSFET। तो इस तरीके से पूरा होल क्लासिफिकेशन आपके फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का। ना अभी हम लोग आगे डिटेल में बढ़ेंगे, हम लोग अभी अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एन चैनल JFET। पहला जो ट्रांजिस्टर टाइप जो है JFET टाइप है वो हम लोग पहले डिटेल में यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे, एन चैनल JFET। तो ये डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, कंस्ट्रक्शन बना हुआ है एन चैनल JFET का। ना क्या होता है डायग्राम में, मैं आपको अभी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। इन केस ऑफ एन चैनल JFET क्या होता है, एक एन चैनल टाइप का एक पास एन टाइप सेमीकंडक्टर का एक सब्सट्रेट होता है आपके पास, जिसको एन चैनल कहते हैं। एक पूरा एन टाइप सेमीकंडक्टर का एक सब्सट्रेट होता है, उस एन टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर हम लोग दो माइनर पी टाइप सेमीकंडक्टर को प्लेस करते हैं साइड में, जिस तरीके से आपको दिख रहा है। ये पूरा होल एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है जिसको चैनल बोला गया है, और उसके कॉर्नर में, दो साइड के कॉर्नर में एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर को यूज किया हुआ है, ज्वाइंट किया हुआ है, डिफ्यूज किया हुआ है। दो पी टाइप के सेमीकंडक्टर को डिफ्यूज किया हुआ है, और ये दोनों पी टाइप सेमीकंडक्टर को जो डिफ्यूज किया हुआ है, ये दोनों को कनेक्ट करके ज्वाइन करके एक टर्मिनल बनता है, उस टर्मिनल को कहते हैं गेट टर्मिनल। तो पी टाइप जो सेमीकंडक्टर आपको नजर आ रहा है, दोनों पी टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ के, एक साथ जोड़ के जो टर्मिनल का नाम है, उस टर्मिनल का नाम है गेट टर्मिनल। उसी तरीके से जो एन चैनल की तरफ से दो टर्मिनल को निकाला गया है, अपर साइड में जो टर्मिनल को निकाला गया है उस टर्मिनल को कहते हैं ड्रेन टर्मिनल, और नीचे साइड से जो एन चैनल के नीचे साइड से जो टर्मिनल को निकाला गया उसको कहते हैं सोर्स टर्मिनल। तो इस तरीके से JFET में जो तीन टर्मिनल होते हैं वो गेट होता है, ड्रेन होता है और सोर्स होता है। कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है, क्लियर है। एक पूरा एन टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, उसके ऊपर दो छोटे छोटे पी टाइप के सेमीकंडक्टर को हम लोग डिफ्यूज करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि PN जंक्शन फॉर्म हो जाता है। ये आपको एक PN जंक्शन की तरह नजर आ रहा है, ये भी एक PN जंक्शन की तरह नजर आ रहा है। तो ये दो PN जंक्शन डायोड के जैसा इधर पे फॉर्म हो जाता है। तो ये पूरा डिटेल में कंस्ट्रक्शन था आपका कि किस तरीके से JFET फॉर्म होता है। ये जिस तरीके से मैंने N चैनल JFET बनाया उसी तरीके से P चैनल भी JFET भी बनता है। बस फर्क ये होता है कि ये एन चैनल की जगह पे, एन टाइप सेमीकंडक्टर की जगह पे पी टाइप का सेमीकंडक्टर यूज होगा, और उसके ऊपर दो स्मॉल स्मॉल एन टाइप के सेमीकंडक्टर को डिफ्यूज किया जाएगा ताकि उस तरीके से पीएन जंक्शन फॉर्म हो जाए। नाउ अभी हम लोग
वर्किंग ऑफ एन चैनल जेफेट की तरफ बढ़ेंगे ना। वर्किंग ऑफ एन चैनल जेफेट की तरफ बढ़ने से पहले पहले तो हम लोग को ये समझना है कि हमारे पास इनपुट जंक्शन कौन सा है और आउटपुट जंक्शन कौन सा है। तो जिस तरीके से गेट और सोर्स टर्मिनल आपको नज़र आ रहा है, तो उस गेट और सोर्स टर्मिनल के बीच का जो वोल्टेज है उसे कहते हैं VGS, गेट टू सोर्स वोल्टेज। और जिस तरीके से ड्रेन और सोर्स टर्मिनल नज़र आ रहा है, उन दो टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज होता है उस वोल्टेज को बोलते हैं ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। तो गेट टू सोर्स वोल्टेज, अब जेफेट में क्या होता है, हमेशा इनपुट का जो जंक्शन है वो हमेशा रिवर्स बायस किया हुआ होना चाहिए, रिवर्स बायस किया हुआ रहना चाहिए, और आउटपुट जंक्शन की तरफ ड्रेन टर्मिनल हमेशा हायर पोटेंशियल पे रहना चाहिए एज कंपेयर टू सोर्स टर्मिनल। यानी ड्रेन वाला टर्मिनल हमेशा हायर पोटेंशियल, हायर वोल्टेज पर रहेगा सोर्स टर्मिनल के कंपैरिजन में। तो इसके लिए यहाँ पे जो बैटरी का जो कनेक्शन है, पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर कनेक्ट किया हुआ है ड्रेन टर्मिनल की तरफ, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी सोर्स टर्मिनल की तरफ कनेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पे VGS को रिवर्स बायस करने की वजह से, ये क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर है, पी टाइप सेमीकंडक्टर होने की वजह से जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है उसको कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि रिवर्स बायस किया जा सके, और पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग सोर्स टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। अब इसके वर्किंग को हम लोग को अंडरस्टैंड करने के लिए दो केस में समझना है। एक केस हम लोग ये समझेंगे जहाँ पे गेट टू सोर्स वोल्टेज कुछ भी नहीं है, यानी ये बैटरी का कनेक्शन ही रिमूव कर देना है। तो ये बैटरी का कनेक्शन अगर हम लोग रिमूव कर देते हैं तो डायरेक्टली गेट टू सोर्स वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये ग्राउंड पे कनेक्ट किया हुआ है, ये सोर्स टर्मिनल आपका ग्राउंड किया हुआ है। तो VGS उस केस में, पहले केस में क्या है, जीरो, और दूसरे केस में VGS को नेगेटिव वोल्टेज देंगे, यानी लेस देन जीरो वोल्टेज देंगे, नेगेटिव वोल्टेज देंगे। अब देखिए क्या होता है, ये पीएन जंक्शन है, जब पीएन जंक्शन डायोड होने की वजह से, जैसा कि आपको पता है कि अगर उसको रिवर्स बायस देते हैं तो डिप्लीशन लेयर एग्जिस्ट होता है। इस पीएन जंक्शन डायोड के बीच में जो लेयर होता है वो कौन सा लेयर होता है, डिप्लीशन लेयर। तो जैसे जैसे रिवर्स सप्लाई वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, उस डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो है वो क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे भी ये पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन डायोड है, तो यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड के बीच में भी यहाँ पे भी क्या होगा, डिप्लीशन लेयर होगा। उस डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये सप्लाई वोल्टेज के ऊपर, क्योंकि ये दोनों एक साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये जो आपको नजर आ रहा है, जो चीज आप इधर पे करोगे वही सेम चीज इधर पे भी होगी। तो यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है वो डिपेंड करेगी ये रिवर्स सप्लाई वोल्टेज VGS के ऊपर। तो जैसे जैसे आप VGS सप्लाई वोल्टेज बढ़ाओगे, रिवर्स सप्लाई वोल्टेज बढ़ाओगे, तो वैसे वैसे इस डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब हम लोग इसका सिनेरियो दो केस में अंडरस्टैंड करते हैं, दो केस में ये अंडरस्टैंड कर ले। मान लीजिए आपने VGS कोई सप्लाई वोल्टेज यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया है, नाउ प्रोवाइड नहीं किया है, तो फॉर एग्जाम्पल ये VGS का वोल्टेज क्या है, जीरो वोल्टेज है। नाउ VGS जीरो वोल्टेज होने पे अब इसका वर्किंग कैसे होगा वो मैं आपको अभी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको जो बैटरी कनेक्ट की गई है वो कौन सी बैटरी कनेक्ट की गई है, VDS। VDS में जैसा कि आपको पता है कि ये ड्रेन हमेशा हायर लेवल पे होगा, सोर्स जो है वो लोअर लेवल पे होगा, ताकि जो करंट हो वो यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो हो सके, करंट जो है वो ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ फ्लो हो सके। जैसा कि आपको ये डायग्राम में नजर आ रहा है, यहाँ से जो करंट फ्लो होने वाला है उस करंट का नाम है ड्रेन करंट, ID। तो ID करंट जो फ्लो होगा वो आपका ड्रेन टर्मिनल से सोर्स टर्मिनल की तरफ फ्लो होगा, क्योंकि बैटरी का जैसा कनेक्शन किया हुआ है उस तरीके से कनेक्शन करने की वजह से यहाँ से आपका करंट फ्लो होगा। नाउ एक बात यहाँ पे अभी हम लोग को ये अंडरस्टैंड करना है, पहला केस में जो आपको समझा रहा हूँ, पहला केस में जो आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, मान लो VGS आपने कनेक्ट नहीं किया है, VGS आपने जीरो कनेक्ट करके रखा है, कुछ भी नहीं दिया है। अब क्या होगा, जैसा जैसा ये जो लेवल नीचे होते जाएगा वैसे वैसे इसका सप्लाई वोल्टेज कम होते जाएगा। मान लो आपने VDS सप्लाई वोल्टेज 4 वोल्ट लिया है, 4 वोल्ट, तो 4 वोल्ट देने की वजह से 4 वोल्ट आपको ड्रेन टर्मिनल की तरफ दिखेगा। फिर जैसे जैसे नीचे आप आते जाओगे ये 3 वोल्ट होते जाएगा, 2 वोल्ट होते जाएगा, 1 वोल्ट होते जाएगा, नीचे ये सोर्स ग्राउंड है तो 0 वोल्ट होते जाएगा। तो अब क्या हो रहा है, इसकी वजह से ये जो कर्व इसका इस तरीके से डिप्लीशन लेयर का जो मैंने कर्व इस तरीके से बनाया वो आपको इसका रीजन दे रहा हूँ। इसलिए रीजन ये बता रहा हूँ कि ये जो गेट टर्मिनल है वो कौन से लेवल पे, 0 वोल्ट पे, और ये जो अपवर्ड साइड है ये अपवर्ड साइड कितने लेवल पे है, फॉर एग्जाम्पल अगर 4 वोल्ट सप्लाई दिया था तो ये 4 वोल्ट पे, तो ये रिवर्स ज्यादा हो गया, ये रिवर्स ज्यादा हो गया, क्योंकि ये 0 वोल्ट पे है और ये 4 वोल्ट पे है, तो ये रिवर्स वोल्टेज ज्यादा मिल रहा है, इसलिए डिप्लीशन लेयर की विड्थ इधर पे ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे, यहाँ पे आपको 1 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, तो ये 1 वोल्ट 0 वोल्ट रिवर्स इसका सप्लाई, इसका रिवर्स जो है वो कम है,
तो इसलिए डिप्लेशन लेयर की विड्थ यहाँ पे कम है। डिप्लेशन लेयर की जो कर्व आपको नजर आ रही है वो यही रीजन की वजह से नजर आ रही है, क्योंकि ऊपर रिवर्स ज्यादा होने की वजह से डिप्लेशन लेयर की विड्थ ऊपर ज्यादा है, नीचे रिवर्स कम होने की वजह से डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम है। तो इसके लिए ये कर्व शेप जो डिप्लेशन लेयर का मैंने ड्रॉ किया उसका रीजन ही वही है, क्योंकि ये लेवल हायर लेवल पे, हायर पोटेंशियल पे, और नीचे का जो लेवल है वो लोअर पोटेंशियल की तरफ से है, तो ये 0 वोल्ट, ये कम लेवल है, तो इसके लिए डिप्लेशन लेयर का विड्थ यहाँ पे कम है। तो दिस इज द रीजन ऑफ द कर्व ऑफ डिप्लेशन लेयर। तो ये डिप्लेशन लेयर का ये कर्व होने का रीजन ये है। नाउ अब हम लोग ये चीज अंडरस्टैंड कर रहे थे कि अभी क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि अभी जब आप वीजीएस को, आप दूसरा केस जो मैं बता रहा हूँ, वीजीएस को जैसे जैसे आप सप्लाई वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, वीजीएस का सप्लाई वोल्टेज बढ़ाने की वजह से क्या होगा, डीवीजीएस का सप्लाई वोल्टेज बढ़ाने की वजह से डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ते जाएगी। वीजीएस की डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ते जाएगी, तो बढ़ते जाते जाते एक पॉइंट ऐसा नजर आएगा जहां पे दोनों भी डिप्लेशन लेयर विड्थ अपने आप को क्या कर जाएगी, टच कर जाएगी। दोनों भी डिप्लेशन लेयर की विड्थ आपस में अपने आप को क्या हो जाएगी, टच कर देगी, और वो पर्टिकुलर टच होने की वजह से वहां से अब आपका आपका ड्रेन करंट नीचे फ्लो नहीं हो पाएगा, यानी ड्रेन करंट आपका क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, रुक जाएगा। तो और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट पे जहां पे आपका ड्रेन करंट कॉन्स्टेंट हो जाएगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज, यानी वो पर्टिकुलर वोल्टेज गेट टू सोर्स वोल्टेज, वो पर्टिकुलर वोल्टेज जहां पे गेट टू सोर्स का वो पर्टिकुलर वोल्टेज जहां पे दोनों भी डिप्लेशन लेयर की भी टच हो जाएगी, सो दैट नाउ नो ड्रेन करंट विल फ्लो, द ड्रेन करंट विल रिमेन कॉन्स्टेंट, दैट अ पॉइंट इज नोन एज पिंच ऑफ वोल्टेज। इसका एग्जाम्पल उसी तरीके से, पिंच ऑफ मतलब जब आप किसी को चिमटी लेना होता है तो आप किस तरीके से दोनों अपनी फिंगर को आप क्या करते हो, एक साथ जोड़ देते हो, तो वही सेम एग्जाम्पल इधर पे वही है। ये हमारा जो दोनों, ये जो डिप्लेशन लेयर का जो आपको कर्व जो नजर आ रहा है, जो दोनों आपस में टच हो गई, तो मतलब ये दोनों इसी तरीके से कि दोनों आपस में हम लोग पिंच कर दिए, किसी को पिंच करना होता है तो दोनों फिंगर को कैसे जोड़ना होता है, तो वही एग्जाम्पल इसी तरीके से यहाँ पे भी वही है कि यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे आप रिवर्स सप्लाई वोल्टेज वीजीएस का बढ़ाते जाओगे तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ते जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि जहाँ पे दोनों भी डिप्लेशन लेयर की विड्थ आपस में टच हो जाएगी और ड्रेन करंट फिर आगे फ्लो नहीं होगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ वोल्टेज को बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज वीपी, और वहां पे आपका ड्रेन करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये एक्सप्लेनेशन था आपका एन चैनल जेफेट का। आपको एक्सप्लेनेशन वर्किंग में सिर्फ इतना ही समझाना है, आपको ये समझाना है कि जैसा ऐसा रिवर्स सप्लाई वोल्टेज, अभी आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो गेट टर्मिनल दोनों एक साथ ज्वाइन किया हुआ है, ये दोनों की बीच की वजह से डिप्लेशन लेयर एग्जिस्ट होता है, ये डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ते जाएगी एज यू इंक्रीज ऑन गेट टू सोर्स वोल्टेज। जैसा जैसा गेट टू सोर्स वोल्टेज आप बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ते जाएगी, और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे दोनों भी डिप्लेशन लेयर टच हो जाएगी, जहां पे टच होगी वहां से ड्रेन करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। तो ये सिनेरियो आपको ये अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे मेरा एक्सप्लेनेशन वही दिया हुआ है, इन जेफेट गेट टू सोर्स टर्मिनल ऑलवेज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस एंड ड्रेन टू सोर्स टर्मिनल इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सच अ वे दैट ड्रेन करंट, ड्रेन टर्मिनल जो है वो ऑलवेज कहाँ पे रहेगा, हायर पोटेंशियल, एंड सोर्स टर्मिनल इज एट लोअर पोटेंशियल। अब जब वीजीएस 0 है तो चैनल की जो विड्थ है वो मैक्सिमम होगी, जब आप वीजीएस नहीं दोगे, 0 दोगे तो मैक्सिमम ड्रेन करंट फ्लो होगा, मैक्सिमम ड्रेन करंट फ्लो होगा। जैसे कि आपको पता है ना डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम होगी, जब वीजीएस ही आपका 0 रहेगा, नेगेटिव सप्लाई रिवर्स वोल्टेज आप नहीं दोगे तो यहाँ पे डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम होगी, और डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम होगी तो आराम से इजीली आपका ड्रेन करंट फ्लो होगा, तो उस पर्टिकुलर केस को बोलते हैं देयरफॉर मैक्सिमम ड्रेन करंट फ्लो थ्रू द चैनल, और उस मैक्सिमम करंट फ्लो को बोलते हैं आईडीएसएस। तो आईडीएसएस यानी मैक्सिमम ड्रेन करंट जो फ्लो होगा जब वीजीएस आपका 0 रहेगा, तो उसको बोलते हैं मैक्सिमम ड्रेन करंट। और जैसे जैसे फिर आपका मैं बताया हूँ कि वीजीएस का सप्लाई रिवर्स सप्लाई बढ़ाते जाओगे, डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ते जाएगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां पे आपका ड्रेन करंट बढ़ना रुक जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन में आपको वही समझाना है, व्हेन वीजीएस वोल्टेज इज इंक्रीज डिप्लेशन लेयर आल्सो इंक्रीज ड्यू टू दिस ड्रेन करंट जो है वो कम होना चालू हो जाएगा। और ये एक्सप्रेशन है ड्रेन करंट का, आईडी इज इक्वल्स टू आईडीएसएस इनटू 1 माइनस वीजीएस अपॉन वीपी द होल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन आपके न्यूमेरिकल वगैरह में आया तो आप याद कर सकते हो, और ये बता रहा है कि आपका जो ड्रेन करंट है वो डिपेंड करता है मैक्सिमम ड्रेन करंट के ऊपर। और इसी तरीके से अगर फर्दर आप वीजीएस को बढ़ाते जाओगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे डिप्लेशन लेयर दोनों भी टच हो जाएगी, और फिर वहां पे फर्दर ड्रेन करंट का फ्लो होना रुक जाएगा, उस पर्टिकुलर वोल्टेज को बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। तो पिंच ऑफ वोल्टेज वो पर्टिकुलर वोल्टेज है जहां पे ड्रेन करंट का फ्लो होना रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग
सिंबल्स ऑफ एन चैनल एंड पी चैनल जेफेट। तो ये मैंने जो है वो सिंबल ड्रॉ किया हुआ है एन चैनल जेफेट का। नाउ एन चैनल जेफेट बिल्कुल सिमिलर सिंबल ड्रॉ किया जैसे आपने बीजेटी का बनाए थे, तीन टर्मिनल होती है। तो यहाँ पे भी तीन टर्मिनल है, गेट है, ड्रेन है और सोर्स है। खाली डायग्राम में थोड़ा इस तरीके से चेंजेस किया हुआ है। नाउ यहाँ पे भी एन चैनल और पी चैनल में फर्क करने के लिए एरो मार्क का किया हुआ है। एन चैनल जेफेट में गेट टर्मिनल से जो आपका एरो मार्क है वो फ्लो कर रहा है। या एरो मार्क कैसे आप पहचानोगे कि एन चैनल का है पी चैनल का है? तो हमेशा जो करंट फ्लो होता है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर से एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ फ्लो होता है। तो ये जो आपको एन चैनल जेफेट में ये पूरा एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ये जो ड्रेन और सोर्स पार्ट है ये पूरा एज इट इज आपका क्या है, एन चैनल है। जिस तरीके से आपको ये नजर आ रहा है ड्रेन और सोर्स, तो ये पूरा हाफ पार्ट में अगर आप डिवाइड कर दो, इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर दो, तो ये जो है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर है और गेट की तरफ जो वो आपका क्या है पी टाइप सेमीकंडक्टर है। तो करंट जो हमेशा फ्लो होगा वो पी टाइप से एन टाइप की तरफ फ्लो होगा। तो इस तरीके से इसका जो एरो मार्क है एन चैनल जेफेट में, तो एन चैनल जेफेट में एरो मार्क आपका इस तरीके से मार्क किया हुआ है कि ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, इसका एरो मार्क इधर पे फ्लो किया हुआ है। और पी चैनल जेफेट में क्या होगा, पी चैनल जेफेट में ये पूरा पी टाइप का सेमीकंडक्टर होगा और एन टाइप का सेमीकंडक्टर होगा, इसलिए गेट टर्मिनल से अवे एरो मार्क किया हुआ है। ये गेट टर्मिनल के इनसाइड एरो मार्क किया हुआ है, ये गेट टर्मिनल के अवे आउटसाइड एरो मार्क किया हुआ है। तो इस तरीके से आपको बाइफरकेट करना है कि पी चैनल जेफेड का सिंबल कैसा है, एन चैनल जेफेड का सिंबल ऐसा है। बस ये एरो मार्क ये इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप सेमीकंडक्टर। इन दिस केस पी चैनल जेफेड द डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम द गेट टर्मिनल बिकॉज दिस इज द पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड दिस इज द एन टाइप सेमीकंडक्टर। सो द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम अवे, दिस मीन्स दैट दिस पी टाइप सेमीकंडक्टर टू एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इस तरीके से आपको ये एक्सप्लेनेशन देना है। और वर्किंग ऑफ पी चैनल जेफेट में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको कंस्ट्रक्शन में समझाया था। ये पी चैनल जेफेट में क्या होगा, ये पूरा के पूरा पी टाइप का सेमीकंडक्टर यूज होगा और उस पी टाइप के सेमीकंडक्टर में दो स्मॉल एन टाइप के सेमीकंडक्टर डिफ्यूज किए हुए होंगे। और उस दो एन टाइप के सेमीकंडक्टर को डिफ्यूज करके जो टर्मिनल फॉर्म होगा वो गेट टर्मिनल होगा, अपवर्ड साइड का जो टर्मिनल होगा ड्रेन, डाउनवर्ड साइड का जो टर्मिनल होगा सोर्स। तो बाकी आपका पूरा एक्सप्लेनेशन बिल्कुल उसी तरीके से रहेगा। ये हो गया आपका पीएन जंक्शन, ये भी हो गया आपका पीएन जंक्शन, डिप्लेशन लेयर मौजूद होगी, एग्जिस्ट होगी। अब यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज़ ये ध्यान में रखना है, जब आपको ये गेट टू सोर्स वोल्टेज रिवर्स बायस करना है, तो गेट टू सोर्स वोल्टेज रिवर्स बायस करने के लिए ये आपका एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, तो उस एन टाइप के सेमीकंडक्टर को कनेक्ट करना पड़ेगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और नीचे जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी उसको सोर्स टर्मिनल से कनेक्ट करना होगा, ताकि ये पर्टिकुलर जंक्शन क्या हो जाए, रिवर्स बायस हो जाए। तो जंक्शन को रिवर्स बायस करने की वजह से ये जो वीजीजी का जो बैटरी सप्लाई है वो इस तरीके से पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करना पड़ेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को कनेक्ट करना पड़ेगा सोर्स टर्मिनल से। बाकी पूरा वर्किंग एक्सप्लेनेशन बिल्कुल वैसे ही होगा, आपका ये ड्रेन हायर पोटेंशियल पे ही रहेगा, सोर्स लोअर पोटेंशियल पे ही रहेगा, करंट का जो फ्लो हो, ड्रेन का जो करंट फ्लो हो, वो ड्रेन से सोर्स टर्मिनल की तरफ ही जाएगा। बस आप यहाँ पे आप जब रिवर्स सप्लाई वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ वैसे वैसे क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। रेस्ट ऑल द वर्किंग इज सेम, खाली कंस्ट्रक्शन पार्ट में थोड़ा सा यहाँ पे क्या है डिफरेंस है। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ पी चैनल जेफेट पूछेगा, तो आपको इस तरीके से इधर पे ड्रॉ करना है। ये बैटरी का नाम ड्रेन पे कनेक्ट किया हुआ रहता है तो इसके लोग वीडीडी बोल देते हैं, और जो गेट की तरफ जो बैटरी कनेक्ट किया हुआ रहता है उसको वीजीजी बोल देते हैं। बाकी ये गेट टू सोर्स वोल्टेज है और ये ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है। नेक्स्ट अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेफेट। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेफेट दो टाइप की है, एक ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक है और एक गेट कैरेक्टरिस्टिक है। ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक मतलब ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बोला जा सकता है, जैसे हम लोग ने ट्रांजिस्टर में देखे थे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, तो जेफेट में भी इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के बदले में यहाँ पे ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक और गेट कैरेक्टरिस्टिक कहा गया है। ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक मतलब जो आउटपुट सेक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है, जो आउटपुट वोल्टेज वर्सेस आउटपुट करंट प्लॉट किया हुआ कैरेक्टरिस्टिक है। और गेट कैरेक्टरिस्टिक मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक जो इनपुट गेट की वजह से आउटपुट करंट को प्लॉट किया गया है, उसको गेट कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे फिलहाल देखेंगे ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेफेट। तो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेफेट इज अ ग्राफ विच इज प्लॉटेड बिटवीन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज वर्सेज ड्रेन करंट। तो एक तरफ हॉरिजॉन्टल में आपका ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है और वर्टिकल में आपका इधर पे ड्रेन करंट है। नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका जो केस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, गेट टू सोर्स वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो ड्रेन करंट की जो वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इनपुट के गेट टू सोर्स वोल्टेज की वजह से। जैसा जैसा गेट टू सोर्स वोल्टेज आप रिवर्स बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ड्रेन करंट की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी।
तो यहाँ पे वही ग्राफ में वही किया हुआ है, पहले इनिशियली वीजीएस का वोल्टेज 0 है, जो पहला केस मैंने आपको बताया था, वीजीएस अगर 0 वोल्टेज रखते हो तो वीजीएस 0 वोल्टेज रहने की वजह से मैक्सिमम ड्रेन करंट फ्लो होगा, तो आपका मैक्सिमम ड्रेन करंट फ्लो हो रहा है इधर पे। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा मैक्सिमम ड्रेन करंट फ्लो होगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आफ्टर ऊपर लेवल पे जब वो मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाएगा, मैक्सिमम करंट तक पहुंच जाएगा, तो ये दोनों डिप्लेशन लेयर आपस में क्या हो जाएगा, टच हो जाएंगे, और दोनों डिप्लेशन लेयर टच होने की वजह से वो ड्रेन करंट फर्दर फ्लो नहीं हो पाएगा, फर्दर फ्लो नहीं हो पाएगा, तो ड्रेन करंट क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो ये जो केस ड्रॉ किया हुआ है वो वीजीएस 0 वोल्ट के लिए किया हुआ है। तो वीजीएस 0 वोल्ट के लिए आपको पता है जैसे जैसे आप वीडीएस बढ़ाते जाओगे, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज इंक्रीज करते जाओगे, जैसे यहाँ पे दिख रहा है 0 से 1 वोल्ट किया, 1 से 2 वोल्ट किया, तो ड्रेन करंट की वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है। जैसे जैसे वीडीएस बढ़ते जा रहा है ड्रेन करंट की वैल्यू बढ़ते जा रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहां पे अभी आपका फर्दर ड्रेन करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों भी अभी क्या हो जाएंगे, डिप्लेशन लेयर ऊपर की तरफ टच हो जाएंगे, टच हो जाएंगे, तो फिर वो ड्रेन करंट विल रिमेन कॉन्स्टेंट। तो ये पर्टिकुलर रीजन को बोलते हैं सेचुरेशन रीजन, जहां पे आपका ड्रेन करंट क्या हो गया है, एकदम स्टॉप हो गया है, कॉन्स्टेंट हो गया है। नाउ अगर यही वीजीएस रिवर्स सप्लाई वोल्टेज अगर आप बढ़ाओगे, अभी 0 के बदले में आपने रिवर्स सप्लाई वोल्टेज पॉइंट माइनस 0.5 कर दिए, तो अब यहाँ पे डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ने की वजह से जो पहले ज्यादा ड्रेन करंट मिल रहा था, वो ड्रेन करंट क्या हो जाएगा, कम मिलेगा, वो जल्दी पिंच ऑफ हो जाएगा, वो जल्दी पिंच ऑफ हो जाएगा, वो जल्दी ड्रेन करंट क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप रिवर्स गेट टू सोर्स वोल्टेज, इनपुट का गेट टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, उसकी वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे, ड्रेन करंट क्या होते जाएगा, रिड्यूस होते जाएगा, वो जल्दी कॉन्स्टेंट होते जाएगा। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है लास्ट केस में वीजीएस कितना है, -2.5, तो वीजीएस -2.5 में ड्रेन करंट फर्दर क्या हो गया, बहुत कम हो गया, वो जल्दी कॉन्स्टेंट हो गया। और फर्दर लास्ट एक आप ऐसा सीनियरियो लेके आओगे जहाँ पे वीजीएस का सप्लाई वोल्टेज बिल्कुल यहाँ पे वीडीडी के सप्लाई के बराबर लेके आ जाओगे, तो उस केस में आपका ड्रेन करंट फ्लो होगा ही नहीं, और वहां पे जहाँ पे ड्रेन करंट फ्लो नहीं होगा उस रीजन को बोलते हैं कट ऑफ रीजन। तो वहां पे वीजीएस का वीजीएस का वो पर्टिकुलर वोल्टेज जहाँ पे ड्रेन करंट फ्लो नहीं हो रहा है उस रीजन को बोलते हैं कट ऑफ रीजन। तो ये आपका ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें 3 रीजन है, सेचुरेशन रीजन जहाँ पे आईडी करंट कॉन्स्टेंट हो गया है, और जहाँ पे कट ऑफ रीजन जहाँ पे वीजीएस के वोल्टेज की वजह से ड्रेन करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, और एक तीसरा रीजन यहाँ पे ये है ओमिक रीजन। और ये पर्टिकुलर पॉइंट जो आपको मार्क किया हुआ है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे आपका ड्रेन करंट कांस्टेंट हो रहा है उस पर्टिकुलर वोल्टेज को बोलते हैं वीपी। आप यहाँ पे मार्क कर देना, यहाँ पे ड्रॉ कर देना, लिख देना वीपी, दिस इज द पिंच ऑफ वोल्टेज, जहाँ पे आपका ड्रेन करंट कॉन्स्टेंट हो रहा है, जहाँ से आपका ड्रेन करंट कॉन्स्टेंट होना शुरू हो रहा है उस पर्टिकुलर वोल्टेज को बोलते हैं वीपी, पिंच ऑफ वोल्टेज। नाउ ये रीजन में अभी हम लोग को ये समझना है कि ये रीजन को ओमिक रीजन क्यों कहते हैं। ये रीजन को ओमिक रीजन इसलिए कहते हैं बिकॉज अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो जैसे जैसे आप ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बढ़ा रहे हो वैसे वैसे ड्रेन करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इतने रीजन में आपका ये जो ग्राफ है वो लीनियर है, ग्राफ लीनियर है, मतलब क्या, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बढ़ रहा है तो ड्रेन करंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब ये कौन से लॉ को फॉलो कर रहा है, ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। ओम्स लॉ क्या होता है, वी इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, यानी वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो यहाँ पे लीनियर ग्राफ आने की वजह से वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है करंट को, इसलिए ये रीजन को, इतने रीजन को क्या कहते हैं, ओमिक रीजन, बिकॉज ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक में 3 रीजन है, पिंच ऑफ वोल्टेज के पहले तक का रीजन ओमिक रीजन है, आफ्टर पिंच ऑफ वोल्टेज जो करंट कॉन्स्टेंट हो जाता है उसको बोलते हैं सेचुरेशन रीजन, और वीजीएस के वो वोल्टेज की वजह से जहाँ पे ड्रेन करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, 0 फ्लो हो रहा है, उस रीजन को बोलते हैं कट ऑफ रीजन। तो ये आपको एक्सप्लेनेशन इधर पे देना है, यहाँ पे मेरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स इज द ग्राफ विच इज प्लॉटेड बिटवीन वीडीएस वर्सेस आईडी कीपिंग वीजीएस कांस्टेंट, वीजीएस को कांस्टेंट रख के जो ग्राफ प्लॉट होता है उसको ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। इट हैज 3 रीजन ओमिक रीजन, इन ओमिक रीजन ड्रेन करंट वेरीज विद चेंजेस इन वीडीएस एंड इट्स फॉलो ओम्स लॉ। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि ओमिक रीजन में क्या होता है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाने की वजह से ड्रेन करंट बढ़ता है, ओमिक लॉ फॉलो होता है, ओम्स लॉ फॉलो करता है, therefore ये रीजन को ओमिक रीजन कहते हैं। दूसरा यहाँ पे रीजन सैचुरेशन रीजन, यानी आफ्टर पिंच ऑफ वोल्टेज ड्रेन करंट क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सैचुरेशन रीजन, ड्रेन करंट विल रिमेन कांस्टेंट। ये पिंच ऑफ वोल्टेज यहाँ पे लिख देना आप लोग वीपी, ये पर्टिकुलर पॉइंट के बाद से ड्रेन करंट कांस्टेंट हो जाता है, उस रीजन को सैचुरेशन रीजन बोलते हैं। और लास्ट रीजन जो आपका कट ऑफ रीजन, जब पिंच ऑफ वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस गेट टू सोर्स टर्मिनल देयर इज नो फ्लो ऑफ ड्रेन करंट, दिस रीजन इज नोन एज कट ऑफ रीजन। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं गेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेफेट। तो गेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेफेट, जैसे कि मैंने आपको बताया था गेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेफेट क्या होती है, इट इज अ ग्राफ विच इज प्लॉटेड बिटवीन गेट टू सोर्स वोल्टेज वर्सेस ड्रेन करंट, यानी इनपुट गेट टू सोर्स वोल्टेज वर्सेस ड्रेन करंट का जो ग्राफ है
वीडीएस को कांस्टेंट रखे, आउटपुट वीडीएस को कांस्टेंट रखे, उस ग्राफ को बोलते हैं गेट कैरेक्टरिस्टिक। तो गेट कैरेक्टरिस्टिक और वीडीएस में आपको ग्राफ जो प्लॉट करना है वो किसके किसके बीच में प्लॉट करना है, गेट टू सोर्स वोल्टेज वर्सेस ड्रेन करंट में। नाउ अभी इसका सिनेरियो ऐसा है कि जब आपका वीजीएस 0 वोल्ट था तो वीजीएस 0 वोल्ट होने में आपको मैक्सिमम करंट मिलता है, मैक्सिमम ड्रेन करंट मिलता है, और उस मैक्सिमम ड्रेन करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, आईडीएसएस। तो जब आपका वीजीएस 0 वोल्ट था तो आपको मैक्सिमम ड्रेन करंट मिलेगा, उस मैक्सिमम ड्रेन करंट को हम लोग ने डिनोट किए थे, बोले थे आईडीएसएस से। और जैसे जैसे आप वीजीएस सप्लाई वोल्टेज, रिवर्स सप्लाई वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो ड्रेन करंट क्या होता जाएगा, आपका डिक्रीज होता जाएगा। तो जैसे जैसे आप रिवर्स सप्लाई वोल्टेज वीजीएस का बढ़ाते जाओगे, -0.5, -1, -1.5, -2, एक पर्टिकुलर वीजीएस का वो वोल्टेज ऐसा आएगा जहां पे ड्रेन करंट कंप्लीटली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और उस पर्टिकुलर वोल्टेज को क्या बोलते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज, जहां पे आपका इधर पे ड्रेन करंट अभी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ पे वही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, गेट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इज अ ग्राफ विच इज प्लॉटेड बिटवीन वीजीएस वर्सेस आईडी एट कॉन्स्टेंट वीडीएस। व्हेन वीजीएस, जब वीजीएस की वैल्यू जीरो थी तो मैक्सिमम ड्रेन करंट फ्लो होगा फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स टर्मिनल, और जब वीजीएस की वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे, व्हेन वीजीएस इज इंक्रीज आईडी स्टार्ट्स रिड्यूसिंग, तो आईडी क्या हो जाएगा, रिड्यूस होना चालू हो जाएगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट आईडी विल बिकम जीरो, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे आईडी बिल्कुल जीरो हो जाएगा। दिस वोल्टेज इज नोन एज पिंच ऑफ वोल्टेज, और ये वोल्टेज को क्या बोलते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। यहाँ पे मार्क किया हुआ है जहाँ पे आईडी जीरो हो जाएगा उस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज। तो दो कैरेक्टरिस्टिक होती है जेफेट की, एक होती है ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने आपको इधर पे समझाया, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक आपको प्रॉपरली अगर क्वेश्चन प्रॉपर समझ के देना है, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक बोला तो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक में ये प्लॉट करना है, और गेट कैरेक्टरिस्टिक पूछा है आपको तो गेट कैरेक्टरिस्टिक में ये प्लॉट करके ये एक्सप्लेनेशन देना है। बाकी एडवांटेजेस ऑफ जेफेट क्या है, एडवांटेजेस वेरी हाई इनपुट इंपेडेंस, जैसे कि आपको पता है इनपुट सेक्शन को रिवर्स बायस करना पड़ता है, तो रिवर्स का बायस करने की वजह से उसका इनपुट इंपेडेंस बहुत हाई होता है। बेटर थर्मल स्टेबिलिटी, इसके थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल रनअवे का जो प्रॉब्लम बीजेटी में होता है वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम इसमें नहीं नजर आएगा। डिसएडवांटेज ऑफ जेफेट क्या है, गेन इज स्मॉलर कंपेयर टू बीजेटी, जैसे कि बीजेटी का जो काम है वो एम्पलीफिकेशन का काम है, यहाँ पे आपका इधर पे इनपुट सेक्शन में रिवर्स बायस होने की वजह से, हाई इनपुट इंपेडेंस होने की वजह से यहाँ पे वो पर्टिकुलर चीज़ की प्रॉब्लम है, गेन यहाँ पे इसका ज़्यादा नहीं होता है। गेन जिस तरीके से बीजेटी में ज़्यादा होता है उस तरीके से गेन यहाँ पे जेफेट में ज़्यादा नहीं होता है। बाकी एप्लीकेशंस क्या क्या जेफेट में, इट कैन बी यूज एज एम्पलीफायर, फिर भी इसको एम्पलीफायर के जैसा यूज़ किया जाता है। इट कैन बी यूज एज अ स्विच, हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में इसको स्विच के जैसा यूज़ करते हैं। इट कैन बी यूज इन ऑसिलेटर सर्किट, और इसको ऑसिलेटर सर्किट में भी यूज़ करते हैं। तो ये सब एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन ऑफ जेफेट अगर आपको कभी पूछा तो आपको ये सब चीज़ मेंशन करना है। फायदा इसका सिर्फ ये है कि हाई इनपुट इंपेडेंस होता है इसमें, और इसमें थर्मल स्टेबिलिटी अच्छी होती है, थर्मल रनअवे वाला प्रॉब्लम जो थर्मल की वजह से, टेम्परेचर की वजह से प्रॉब्लम उसमें बहुत कम होती है। बाकी इसका डिसएडवांटेज ये कि इसके अंदर गेन बहुत कम है, ज़्यादा एम्पलीफिकेशन नहीं मिल पाएगा आपको एज कम्पेयर टू बीजेटी। कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के बीच में कंपैरिजन लास्ट में हमको करना बहुत जरूरी है, कंपैरिजन बिटवीन बीजेटी एंड एफईटी। तो सिंपल पॉइंट्स में मैंने कंपैरिजन किया हुआ है, सबसे पहले तो आप सिंबल ड्रॉ कर दो बीजेटी और एफईटी का। ये बीजेटी का बेस कलेक्टर इमीटर टर्मिनल एनपीएन टाइप का ये सिंबल ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे एफईटी में मैंने एन चैनल जेफेट को ड्रॉ किया हुआ है, गेट ड्रेन सोर्स, यहाँ पे एरो मार्क गेट टर्मिनल से जा रहा है, यानी एन चैनल जेफेट है। ये एनपीएन टाइप है क्योंकि एरो मार्क इमीटर टर्मिनल से आवे जा रहा है। कंट्रोलिंग एलिमेंट कौन सा है, तो बीजीटी में इनपुट बेस करंट कंट्रोल करता है आउटपुट करंट को, तो वो करंट कंट्रोलिंग है। और यहाँ पे एफईटी में इनपुट का वोल्टेज गेट टू सोर्स वोल्टेज कंट्रोल करता है आउटपुट ड्रेन करंट को, तो ये वोल्टेज कंट्रोलिंग एलिमेंट है। ये पोलैरिटीज बीजीटी में क्या होती है, बाइपोलर, मतलब दोनों की वजह से करंट कंडक्शन होता है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से भी, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से भी, इसलिए उसको बाइपोलर कहते हैं। एफईटी में सिर्फ मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से ही करंट कंडक्शन होता है, तो उसके लिए उसको यूनिपोलर डिवाइस कहते हैं। तो FET is a unipolar device, BJT is a bipolar device। यहाँ पे आप इसको करंट कंट्रोलिंग डिवाइस बोलेंगे, यहाँ पे इसको वोल्टेज कंट्रोलिंग डिवाइस या फील्ड, वोल्टेज को फील्ड भी कहते हैं, फील्ड कंट्रोलिंग डिवाइस। इनपुट इंपेडेंस BJT में कम होता है लेकिन FET में ज़्यादा होता है हाई। आउटपुट इंपेडेंस BJT में हाई होता है लेकिन FET में लो होता है। गेन इसमें हाई है BJT में लेकिन FET में कम है। थर्मल रन अवे इसमें होता है BJT में लेकिन FET में नहीं होता है। थर्मल स्टेबिलिटी इसकी अच्छी है। आई होप आप लोग को मेरा ये कंपैरिजन, ये एफईटी का टॉपिक, जेफेट का टॉपिक आपको समझ में आएगा। फिर भी कोई क्यूरीज है, प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट जरूर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।